कप्तान, गुज़श्ता रात जो रात गुजरती है, इस रात में कप्तान को डराने की इतनी कोशिश की जाती है कि जिसकी इंतहा ही कोई नहीं। 3 दफा कप्तान तक जेल के अमले के जरिए यह पैगाम पहुंचता है कि आपको अभी यहां से निकालकर मच जेल ले जाया जाएगा, आपको अभी यहां से निकालकर कैसी ऐसी जगह ले जाया जाएगा जहां ना दिन की रोशनी, ना कोई सूरज, ना कोई और चीज देख सकेंगे, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। आपको खाने में कुछ नहीं मिलेगा, आपकी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी, आपको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। आप मुलाकात कर लें, आप कुछ मामलात को तय कर लें, आप अपने मौकफ से पीछे हट जाएं, आप अपने मौकफ की बजाय सुकून के साथ अपनी अगली जिंदगी को गुजारने के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। 3 घंटों के अंदर अंदर जहाज तैयार होगा, जहाज में बैठें और चले जाएं। कप्तान डट गया। कप्तान ने बड़े आराम से बातें सुनी, 3 दफा ये बातें सुनी, 3 दफा ये गुफ्तगू सुनने के बाद कप्तान ने बिल्कुल वाज़े तौर पर कहा कि मुझे जिंदगी में डराने की कोशिश मत करना, 70 साल मेरी उम्र हो गई है, कितने साल मैं और जीना है ये अल्लाह की ज़ात को बेहतर पता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी का जितना बाकी अरसा है मैं अपने हक के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करने के लिए मैं डट के खड़ा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे जो मर्जी हो जाए ना इस मुल्क से जाऊंगा ना अपने मौकफ से पीछे हटूंगा। जिसके बाद क्या होता है, रात लेट नाइट बहुत देर, यानी आप कह सकते हैं कि तहज्जुद से पहले, चूंकि कप्तान ने तहज्जुद अदा करता है, फजर अदा करता है, तहज्जुद से पहले एक शख्स जो कप्तान की बारक के बाहर होता है, यानी एक कैदी या हवालाती, उसको मारने पीटने की आवाज़ें आती हैं। वल्ला आलम उसको मारा पीटा जाता है या टेप के साथ, वो आवाज़ें इस कदर तेज़ होती हैं जो कप्तान के कानों तक पहुंचाई जाती हैं कि किसी को तशद्दुद का बदतरीन निशाना बनाया गया है, निशाना बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद फौरी तौर पर ये कहा जाता है, कप्तान के पास पैगाम आता है कि ये ही काम किसी वक्त भी आज रात आपके साथ भी हो सकता है, जिस पर कप्तान हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है किसी वक्त क्यों, मैं हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, आप आएं, जो आपने करना है करें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। कप्तान को डराने की ये कोशिश नाकाम हो जाती है। नाकाम हो जाने के बाद कप्तान सुकून से नमाज अदा करता है, सुकून से कुरान पाक की तलावत करता है, और जिस वक्त बुशरा बीबी से मुलाकात होती है, कप्तान बुशरा बीबी को भी ये चीज़ें नहीं बताता, कुछ चीज़ें बताता है, लेकिन जब मुलाकात के बाद जेल का अमला पास आता है तो कप्तान उनको हंस के कहता है कि मुझे आपसे कोई गिला नहीं, आपको जो चंद दिन का वज़ीर आज़म पैगाम पहुंचा रहा है, जो साबिक वज़रा आपको पैगाम पहुंचा रहे हैं, उन्हें मेरा ये पैगाम पहुंचा दो कि ये मेरा वतन है और मैंने यहीं रहना है और मैं बहुत जल्द बाहर आ जाऊंगा, लेकिन उतना जुल्म करो जितना तुम सह सकते हो। कप्तान को डराने की कोशिश पूरी तरह नाकाम। अब बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म पर। निगरान वज़ीर आज़म का फैसला जहां से होना है वहां से हो चुका है, लेकिन निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर
दोनों भाइयों में शदीद तरीन इख्तलाफ शुरू हो गया है। राजा रियाज की तरफ से मिलने वाली लिस्ट के बाद बड़े भाई ने उस लिस्ट को मुस्तरद किया और छोटे भाई को कहा कि इस लिस्ट में एक नाम भी काबिले कबूल नहीं। जिस पर मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, छोटे भाई ने यह कहा कि अगर हम इन नामों को नहीं मानेंगे तो फिर आने वाले दिनों में हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। जिस पर दोनों भाइयों में इतनी तरह करामी हुई कि एक भाई ने फोन बंद कर दिया। आगे क्या हुआ इंतजार कीजिए अगले वीलोग का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।